नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत हम चैप्टर 5 में मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम का अध्ययन कर रहे थे। इसी में आज हम कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का अध्ययन करेंगे। इसका ब्रीफ डिस्कशन हम ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत किया है। जैसे CDMA टेक्निक्स पढ़ाई थी आपको, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स, वहाँ पर इसको थोड़ा अध्ययन किया था। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या होता है। सो लेट स्टार्ट विद दी CDMA टेक्नोलॉजी। सो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस सिस्टम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम टाइम एंड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस सिस्टम की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी दोनों तरह की टाइम और फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लेक्सिंग से एकदम से बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम होता है। इन दिस सिस्टम अ यूजर हैज एक्सेस टू द होल बैंडविड्थ फॉर द एंटायर ड्यूरेशन। इस तरह के सिस्टम में जो यूजर होता है वो पूरी बैंडविड्थ को पूरे समय के लिए यूज कर पाता है, जबकि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में ऐसा नहीं होता था। लेकिन कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में ये होता है कि यूजर जो है वो सारी बैंडविड्थ को सारे टाइम के लिए यूज कर पाता है। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इज अ सॉर्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग दैट फैसिलिटेट्स वेरियस सिग्नल टू ऑक्यूपाई अ सिग्नल ट्रांसमिशन चैनल। यानी कि CDMA एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी मल्टीप्लेक्सिंग है जो डिफरेंट चैनल को एक सिंगल ट्रांसमिशन चैनल पर ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग कर देता है। इट ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ, जो बैंडविड्थ अवेलेबल होती है उसको भी ऑप्टिमाइज कर देता है। द टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज इन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, यानी जो CDMA टेक्नोलॉजी है वो UHF फ्रीक्वेंसी में बैंड में यूज की जाती है। सेलुलर टेलीफोन सिस्टम बैंड रेंजिंग बिटवीन द 800 MHz एंड 1.9 GHz, इस बैंड में इसको जनरली यूज करते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट डिफरेंट CDMA कोड्स आर यूज टू डिस्टिंग्विश अमंग द डिफरेंट यूजर्स, यानी हर एक यूजर के लिए एक डिफरेंट कोड होता है। ठीक है, हर एक यूजर को एक कोड के द्वारा डिस्टिंग्विश किया जाता है। ठीक है, सो दैट इज द बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द CDMA के हर एक यूजर के लिए अपना एक डिफरेंट कोड होगा, तो यूजर को हम कोड के माध्यम से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। टेक्निक्स जनरली यूज्ड आर डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन, यानी कि जो टेक्निक इसमें यूज की जाती है वो हम इसमें डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, स्प्रेड स्पेक्ट्रम लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन यानी DSCDMA इसमें यूज किया जाता है। फ्रीक्वेंसी होपिंग और मिक्स CDMA डिटेक्शन, यानी कि इसमें फ्रीक्वेंसी होपिंग भी होती है या मिक्सड CDMA डिटेक्शन होता है। सिग्नल इज जनरेटेड विच एक्सटेंड ओवर अ वाइड बैंडविड्थ, इसमें जो सिग्नल जनरेट किया जाता है दैट विल एक्सटेंड ओवर अ वाइड बैंडविड्थ, यानी वाइड बैंड का एक सिग्नल होता है। अ कोड कॉल्ड स्प्रेडिंग कोड इज यूज टू परफॉर्म दिस एक्शन, इसके लिए जो कोड है, जैसे कि हमने कहा हर यूजर को आप एक डिफरेंट कोड से डिस्टिंग्विश करते हैं, तो इसमें एक कोड यूज किया जाता है जो इस CDMA के एक्शन को परफॉर्म करता है। यूजिंग अ ग्रुप ऑफ कोड्स विच आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, इट इज पॉसिबल टू सिलेक्ट अ सिग्नल विद अ गिवन कोड इन द प्रेजेंस ऑफ मैनी अदर सिग्नल विद डिफरेंट ऑर्थोगोनल कोड्स, यानी कि जिसमें जो कोडिंग है वो ऑर्थोगोनल कोड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ कोड्स में ऑर्थोगोनल कोड्स, तो एक अगर आपका कोड है, एक सिग्नल कोड है, तो उसके साथ में आप वो मतलब एक दूसरे सिग्नल कोड जो दूसरे कोड्स हैं जिनका ऑर्थोगोनल कोड डिफरेंट ऑर्थोगोनल कोड्स है उसके साथ में इस कोड को यूज किया जा सकता है। CDMA अलाउज अप टू 61 कॉन्क्रेंट यूजर इन अ 1.228 MHz चैनल बाय प्रोसेसिंग ईच वॉइस पैकेट विद 2 PN कोड्स। ठीक है, यानी कि CDMA क्या करता है, 61 कॉन्क्रेंट यूजर्स को एट ए टाइम जो है वो परमिट करता है, और 1.228 MHz के चैनल में बाय प्रोसेसिंग ईच वॉइस पैकेट। देर आर 64 वॉल्श कोड्स अवेलेबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉल्स एंड थियोरटिकल लिमिट्स, यानी यहाँ पर लगभग 64 वॉल्श कोड अवेलेबल है जो डिफ्रेंशिएट करते हैं कॉल्स और थियोरटिकल लिमिट्स में। ऑपरेशनल लिमिट्स एंड क्वालिटी इश्यूज विल रिड्यूस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स सम वॉट लोअर देन दिस वैल्यू, यानी जो ऑपरेशनल लिमिट है और इसकी जो क्वालिटी इश्यू है दैट विल रिड्यूस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स सम वॉट लोअर देन दिस वैल्यू। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ कॉल्स हैं वो आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कुछ कम रहेंगे।
In fact, many different signals baseband with different spreading codes can be modulated on the same carrier to allow many different user to be supported. इसका सबसे बड़ा advantage है कि आप बहुत सारे signals को जिनके एक different codes हैं उनको एक ही carrier पर आप उसको modulate कर सकते हैं. आपको there is no need to different carriers for different users. जबकि frequency division multiplex access में आपका carrier different होता था. यहाँ पर ऐसा नहीं होता. यहाँ पर आपका जो carrier signal है वो same होता है सारे signal, क्योंकि सभी signal का जो code है वो different है. How does CDMA works? CDMA कैसे काम करता है? Using different orthogonal codes, interference between the signal is minimal. क्योंकि आपने हर एक यूजर के लिए एक आपने सेपरेट orthogonal कोड यूज किया है, ठीक है, इसीलिए दोनों कोड के बीच में या दो सिग्नल के बीच में इंटरफ्रेंस के जो चांस हैं, जो व्यवधान उत्पन्न होने के चांस है वो बहुत कम होते हैं. Conversely, when signal are received from several mobile station, the base station is capable of isolating each as they have a different orthogonal spreading code. जब कोई भी मोबाइल स्टेशन जब एक से ज्यादा सिग्नल्स को एक साथ रिसीव करता है तो उनमें से आसानी से जो भी उसका वांटेड सिग्नल है उसको आसानी से वो आइसोलेट कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है. क्यों? क्योंकि हर एक सिग्नल का ऑर्थोगोनल कोड जो है वो डिफरेंट है. जैसे आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल पर कॉल आता है तो आपका मोबाइल केवल आपको जिसने कॉल मिलाया केवल उसी कॉल को पिकअप करता है. क्यों? क्योंकि जो कॉल आपके पास आई है उसका जो ऑर्थोगोनल कोड है वो कोड एकदम डिफरेंट है. जबकि आपके मोबाइल के पास और भी बहुत सारे रेडिएशंस और सिग्नल्स आ रहे हैं लेकिन आपका मोबाइल उन सभी सिग्नल्स को रिसीव नहीं करता, ठीक है. तो ऑर्थोगोनल कोड के माध्यम से वो आइसोलेट कर लेता है अपने वांटेड सिग्नल को, बाकी अनवांटेड सिग्नल को रिजेक्ट कर देता है. द फॉलोइंग फिगर शोज द टेक्निकली ऑफ द CDMA सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोपगेशन. वी मिक्स द सिग्नल्स ऑफ ऑल यूजर्स बट बाय दैट यू यूज द सेम कोड एज दैट कोड दैट वॉज यूज एट द टाइम ऑफ सेंडिंग द रिसीविंग साइट. यानी कि आपने जो भी आपके कोड्स हैं CDMA सिस्टम क्या करता है ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन, जब आप अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं इन द मीडियम, तो हम सारे सिग्नल्स को जितने भी यूजर्स हैं सबको मिक्स कर देते हैं और उसको एक ही कैरियर पर ट्रांसमिट कर देते हैं. बट बाय दैट यूज द सेम कोड एज दैट द कोड दैट वॉज यूज एट द टाइम ऑफ सेंडिंग द रिसीविंग साइड. यानी रिसीविंग साइड में जब आप उसे सेपरेट करते हैं तो आप सेम कोड और सेम मेथड फॉलो करते हैं जो आपने मिक्स करने का सेंडिंग साइड में यूज किया था. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ CDMA सिस्टम. इसमें देखें दिस इज मोबाइल यूनिट विद यूजर. ये मोबाइल इक्विपमेंट है, ये BTS है. BTS और मोबाइल इक्विपमेंट के बीच में जो इंटरफेस होता है वो UM होता है. ये हम ऑलरेडी लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था. बेस ट्रांस रिसीवर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. बेस ट्रांसमीसर और बेस स्टेशन कंट्रोलर यानी BSC के बीच में जो इंटरफेस होता है ABS का होता है. इसके अलावा बेस स्टेशन कंट्रोलर BSC और मोबाइल स्विचिंग सेंटर MSC के बीच में जो इंटरफेस होता है वो A टाइप का होता है. इसके बाद जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर है MSC है, MSC और पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क PSTN, इन PSTN के बीच में जो इंटरफेस है वो AI है और MSC के बीच में जो इंटरफेस है वो E है, ठीक है. और मोबाइल स्विचिंग सेंटर MSC और VLR के बीच में जो इंटरफेस है वो B है और आपके VLR और होम HLR के बीच में जो इंटरफेस है वो D है. HLR और ऑथेंटिकेशन सेंटर के बीच में N है. BTS और HLR के बीच में N है और BTS और MCS MSC के बीच में भी N है. So these are the different interface between the two different groups or subsystems. So this is all about the CDMA system. Baki ye jitne bhi isme aapko jo blocks dikhai de rahe hain ye sare blocks hum already discuss kar chuke hain, jisme BTS ho ya mobile equipment ho, base station controller ho, PSTN ho, hum sab kuch already discuss kar chuke hain. But you have only the block diagram of the CDMA system. CDMA सिस्टम की कैपेसिटी की बात करें तो द फैक्टर डिसाइडिंग द CDMA कैपेसिटी आर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो CDMA की कैपेसिटी को डिसाइड करते हैं, तो उसमें एक तो प्रोसेसिंग गेन होता है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, वॉइस एक्टिविटी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी रीयूज इफिशेंसी कितनी है. CDMA has all users on each frequency and users are separated by codes. यानी कि CDMA techniques के अंदर जितने भी users होते हैं वो सारी frequency का हर समय use करते हैं, but these users are separated by a code. That means every user have a different code. This means CDMA operate in the presence of noise and interference. Fine. So in addition, neighboring cells use the same frequency, which means no reuse. ठीक है,
क्योंकि इसमें सीडीएमए टेक्निक्स में क्यों क्या है कि आपका फ्रीक्वेंसी रियूज नहीं होता, क्योंकि वहां पर आपकी नेवरिंग में भी आपको सेम फ्रीक्वेंसी यूज हो रही होती है, क्योंकि आप वहां पर यूजर को आप जो डिफ्रेंशिएट करते हैं वो फ्रीक्वेंसी से नहीं करते, आप यूजर को डिफ्रेंशिएट करते हैं कोड से, तो यहां पर इसीलिए फ्रीक्वेंसी रियूज का चांस नहीं रहता। यूजेज ऑफ सीडीएमए की बात करें, सो सीडीएमए कैपेसिटी कैलकुलेशन शुड बी वेरी सिंपल, नंबर ऑफ कोड चैनल इन अ सेल मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ सेल। यानी अगर हम सीडीएमए सिस्टम की कैपेसिटी की बात करें तो बहुत सिंपल है कि नंबर ऑफ कोड एक चैनल में कितने कोड हैं एक सेल में, और उसको अगर मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ सेल से तो यू विल गेट दी होल कैपेसिटी ऑफ दी सीडीएमए। बट इट इज नॉट दैट सिंपल, ऑल्दो नॉट अवेलेबल कोड चैनल्स आर 64, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज अ सिंगल टाइम सिंस द सीडीएमए फ्रीक्वेंसी इज द सेम। ठीक है, तो ये जैसे हमें देखने में लग रहा है उतना आसान नहीं है, क्योंकि हालांकि नॉट अवेलेबल कोड चैनल्स आर 64, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज अ सिंगल टाइम सिंस द सीडीएमए फ्रीक्वेंसी इज द सेम। यूज ऑफ सीडीएमए क्या है, कैपेसिटी इन सीडीएमए सॉफ्ट, हेंस लार्जर द नंबर ऑफ कोड्स देन लार्जर द नंबर ऑफ यूजर्स। तो ऑब्वियस है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कोड्स को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपके यूजर्स बढ़ते चले जाएंगे, तो दैट मीन्स योर कैपेसिटी ऑफ द सीडीएमए इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कोड्स। If you have more number of codes, then you have a more capacity of the CDMA system. CDMA requires a tight power control as it suffers from near-far field, near-far effect. In other words, a user near the base station transmitting with the same power will drown the signal later. यानी कि आपकी near-far effect इसमें एक problem होती है CDMA में, tight power control है। दूसरे शब्दों में हम कहें यूजर नियर दी बेस, जो बेस नियर जो यूजर बेस स्टेशन के नजदीक होते हैं तो जो कि सेम पावर ड्रॉ कर रहे हैं विद दी, तो वो सिग्नल को देर से पाते हैं, दे विल गेट दी सिग्नल लेटर। ऑल सिग्नल मस्ट हैव मोर और लेस इक्वल पावर एट दी रिसीवर, रिसीवर एंड पर ज्यादातर सिग्नल की सबकी यूजर की पावर जो है सेम होती है। हाई स्पेक्ट्रल डेंसिटी चाहिए इसके लिए। इट कैन बी यूज इन रूरल एरिया, दीज आर दी यूजेज ऑफ सीडीएमए, किस रूरल एरिया में आप यूज कर सकते हैं, हाई स्पेक्ट्रल डेंसिटी है। फ्लेक्सीबल ट्रांसफर में बी यूज, मोबाइल बेस स्टेशन कैन स्विच विदाउट चेंजिंग ऑपरेटर, मोबाइल बेस स्टेशन को आप इजिली बिना ऑपरेटर को चेंज किए हुए चेंज ऑपरेट कर सकते हैं। रेक रिसीवर्स कैन बी यूज टू इम्प्रूव सिग्नल रिसेप्शन, इसमें रेक रिसीवर का आप प्रयोग कर सकते हैं सिग्नल के रिसेप्शन को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि आपको जो सिग्नल है वो और आसानी से रिसीव हो पाए, ये रेक रिसीवर अभी हम डिस्कस करेंगे इसी सेशन में। लिमिटेशंस क्या है, चैनल पॉल्यूशन, ठीक है चैनल में पॉल्यूशन रहता है। लैक ऑफ इंटरनेशनल रोमिंग कैपेबिलिटीज, इंटरनेशनल रोमिंग कैपेबिलिटीज नहीं है, डिफिकल्ट टू अपग्रेड और चेंज टू अनदर हैंडसेट, ठीक है क्योंकि आप देखें आपका जो सीडीएमए हैंडसेट है यू कैन नॉट चेंज टू दी अदर, दैट मींस व्हाट एवर दी सिम सीडीएमए सीडीएमए यू हैव यू कैन नॉट यूज दिस सिम इनटू दी जीएसएम मोबाइल, ठीक है तो अपग्रेड और चेंज हैंडसेट इज नॉट ईजी टास्क। एप्लीकेशंस की बात करें, यूज इन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस में यूज होता है इसका सीडीएमए का। Used by several mobile phone companies, काफ़ी सारी companies इसे use करते हैं। अगर आपको याद हो तो starting में जब Reliance ने अपना mobile और या communication start किया था तो उन्हें CDMA SIM भी launch की थी, तो CDMA technology का use किया था। WCDMA is used in UTMES 3G mobile phone standard, जो WCDMA है उसका UTMS 3G mobile phones में standard में इसका use होता है। Used in Omni ट्रैक सैटेलाइट सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है इनमें इसका यूज होता है। कैटेगरीज में बात करें तो सिंक्रोनस सीडीएमए ऑर्थोगोनल कोड होता है, जो सिंक्रोनस सीडीएमए बोलते हैं इसको। इसके अलावा एसिंक्रोनस सीडीएमए होता है जिसे सूडो रैंडम कोड्स बोलते हैं, यानी कि आपका जो सीडीएमए की कैटेगरी है वो दो तरह की हो सकती है, एक तो ऑर्थोगोनल कोड्स और एक सूडो कोड, सूडो रैंडम कोड्स, ठीक है यानी रैंडमली कोई कोड उसे जनरेट करके दे दिया है। ऑर्थोगोनल कोड एक आपका प्लान्ड और पहले से प्लानिंग्स के साथ में और आपका एक मेथड है जिसके माध्यम से ऑर्थोगोनल कोड जनरेट होता है, लेकिन जो सूडो रैंडम कोड्स है वो एसिंक्रोनस होता है, उसमें सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता होती है, वो रैंडमली कोड जनरेट होता है। डिफरेंस बिटवीन सीडीएमए एंड जीएसएम में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। तो बेस्ड ऑन स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी विच मेक्स द ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ, सीडीएमए जो है वो स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी पे बेस होता है, इसलिए ऑप्टिमम बैंडविड्थ को यूज करता है, जबकि जीएसएम ऑपरेट ऑन दी वेज स्पेक्ट्रम, ठीक है मानी स्प्रेड स्पेक्ट्रम नहीं है वेज स्पेक्ट्रम है। यूजेस बोथ टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो जो आपका सीडीएम है ये जो जीएसएम है वो टीडीएम है और एफडीएम यूज करता है। मोर सिक्योर देन जीएसएम, सीडीएम ज्यादा सिक्योर है, ये लेस सिक्योर है सिक्योर।
CDMA is used in USA and some part of Canada and Japan. CDMA is used by 24% of the user worldwide. यानी पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो लगभग पूरे विश्व का 25-24% लोग CDMA टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और लगभग AC 80% लोग जो हैं वो आपके GSM टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं. 2 to 10 कंट्रीज लगभग इसका यूज करते हैं. CDMA हैज फास्टर डेटा ट्रांसफर. GSM एस स्लोअर डेटा ट्रांसफर एज कम्पेयर टू CDMA. CDMA की जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो ज़्यादा है. CDMA phones emits less radiation. इसके अलावा इसमें रेडिएशन भी बहुत कम होता है. What is the spread spectrum technique? जो अभी हम सुन रहे थे कि ये क्या होती है, तो spread spectrum technique is a form of wireless communication in which the frequency of the transmitted signal is deliberately varied. यानी कि spread spectrum क्या है कि spread spectrum is a form of wireless communication in which the frequency of the transmitted signal is deliberately varied. यानी जो signal transmit किया गया है उसकी फ्रीक्वेंसी लगातार परिवर्तित होती रहती है. जैसे फ्रीक्वेंसी होपिंग आपने देखा था ब्लूटूथ के अंदर, जिसमें आपका एक सेकंड के अंदर 1600 बार फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तो इसी तरह से स्प्रेड स्पेक्ट्रम में भी ऐसा ही होता है. ट्रांसमिट होने के बाद फ्रीक्वेंसी कई बार चेंज हो जाती है. फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स आर यूज्ड. कौन कौन सी? डायरेक्ट सीक्वेंस एंड फ्रीक्वेंसी होपिंग. फ्रीक्वेंसी होपिंग हमने बताया था, तो एक तो डायरेक्ट सीक्वेंस और एक फ्रीक्वेंसी होपिंग, दो तरह की आपकी स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स यूज होती हैं. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी होपिंग? हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे से. फ्रीक्वेंसी होपिंग इज अ स्प्रेड स्पेक्ट्रम इन विच द प्रोपगेशन टेक्स प्लेस बाय होपिंग इन फ्रीक्वेंसी ओवर अ वाइड बैंड. ठीक है, यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी वाइड बैंड में लगातार वेरिएशन होती रहती है, चेंज होती रहती है. द प्रिसाइज ऑर्डर इन विच द ब्रेक अकर्स इज डिटरमाइंड बाय अ होपिंग टेबल जनरेटेड बाय यूजिंग अ सूडो रैंडम कोड सीक्वेंस. यानी होपिंग सीक्वेंस क्या होगा, इट विल डिसाइडेड बाय द होपिंग टेबल. और होपिंग टेबल जो है वो जनरेट होती है विद द हेल्प ऑफ यूज ऑफ सूडो रैंडम कोड सीक्वेंस. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जनरेट होती है. व्हाट इज रेक रिसीवर? रेक रिसीवर क्या होता है, ये भी अभी हमने देखा था. CDMA सिस्टम यूजेज अ सिग्नल फास्ट चिप रेट फॉर स्प्रेडिंग स्पेक्ट्रम एंड इट हैज अ हाई टाइम रिजोल्यूशन. यानी जो CDMA सिस्टम है वो जैसा कि हमने भी कहा स्प्रेड स्पेक्ट्रम को यूज करता है, यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ट्रांसमिशन के बाद चेंज होती है एंड इट हैज अ हाई टाइम रिजोल्यूशन. इसका टाइम रिजोल्यूशन भी ज्यादा होता है. फॉर दिस रीजन CDMA इज एबल टू रिकॉग्नाइज बाय डीकंपोजिंग ईच ऑफ द पाथ टू रीच विद द टाइम डिफरेंस. यानी कि CDMA जो है वो आपका जो भी सिग्नल उसको रिसीव होता है वो डिफरेंट पाथ से जो सिग्नल आता है उसको डीकम्पोजिंग ईच ऑफ द पाथ टू रीच विद द टाइम डिफरेंस. जो सिग्नल उसके पास हो रहा है वो हर एक सिग्नल को जो अलग अलग टाइम पाथ से आता है उसको प्रॉपर तरीके से वो रिकॉग्नाइज कर पाता है. फ्रॉम दिस इट रिसीव्स अ डिफरेंट पाथ ऑफ सिग्नल ईच वन सेपरेटली. यानी अगर इसके पास कई सारे सिग्नल एक साथ आ रहे हो, अलग अलग पाथ से सिग्नल आ रहे हैं, तो इट विल रिसीव द सिग्नल सेपरेटली बाय समिंग लेटर. इट कैन प्रिवेंट सिग्नल डिग्रेडेशन. ये सिग्नल को फिर बाद में समिंग अप कर लेता है और देन उसको सिग्नल को एक तरह से डिग्रेड कर लेता है. दिस इज कॉल्ड एज अ रेक रिसीवर. इसको हम रेक रिसीवर बोलते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर योर पेशेंस. जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे. धन्यवाद.